इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डबल एओ का क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का जो अभी रिसेंट में कंडक्ट हुआ है। इससे ये पता चल जाएगा अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है कि बीपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चंस अभी पूछ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर सबसे पहले है हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र का संपादन किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजहरुल हक ने। नेक्स्ट है बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1922 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री कुछ ही दिन के लिए बने थे, लेकिन बने थे सबसे पहले कौन? मोहम्मद यूनुस, श्रीकृष्ण सिंह इनके रिजिग्नेशन के बाद। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हुंकार। नेक्स्ट है सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नरमपंथी का। चरमपंथी नहीं, नरमपंथी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य सेन 1930। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक दो और तीन, सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता, ये तीनों था। ठीक है, तो हम लोग मार्क करेंगे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 का, बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकता था वो। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद मालाबार में मोपला का विद्रोह किसका परिणाम था? सही आंसर हो जाएगा खिलाफत 1919। इसके बाद हाथकती खादी के वस्त्रों से 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय होगा नहीं, बाल गंगाधर तिलक होगा नहीं, केलकर होंगे नहीं, यही बचेगा गणेश वासुदेव जोशी, यही आंसर हो जाएगा। स्वदेश बांधव आसान है अश्विनी कुमार दत्त 14 का ए। 15 है फिर बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक। तो बिहार में स्वराज दल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीकृष्ण सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट है मैथ का, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं केवल। तो 16 का जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपको 67th बीपीएससी का जो कैंसिल हो गया एग्जाम उसमें। इसके बाद 17वां, तो समलंब चतुर्भुज, तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तो क्षेत्रफल निकालना है। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अठारह का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3400 और 2200। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80.5 kg। 20 का आंसर हो जाएगा सीरीज बनाना है, तो 20 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 135। फिर 21, एक घड़ी दोपहर 12:30 बजे चलना शुरू करती है, 20 मिनट पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा ऑप्शन बी, 130 डिग्री। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3।
23 का आंसर हो जाएगा जनसंख्या वाला है, 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 3 बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा हम लोग का 23 का ऑप्शन ए। 24 को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है, यदि इतना तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी 90। 25 का आंसर हो जाएगा 35 लीटर, मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात, तो मिश्रण का ही क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 7 लीटर। नेक्स्ट है, नई नस्लों के प्रादुर्भाव का कारक बताना है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिद्वंद्वता तथा परिवर्तन। क्रेफिश का ये ब्लड का कलर पूछ रहा है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला होता है ये। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन, तो 28 का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसके बाद है, बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो बीज में होता है क्या, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भंडारित भोजन भी होता है, पिंड गर्भ भी होता है और बीजावरण तीनों होता है। 30 का आंसर हो जाएगा फल निम्नलिखित में से क्या है, तो अंडाशय को उत्पाद, 30 का आंसर बी। 31 मृतोपजीवी फंकस। 32 का आंसर हो जाएगा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ईस्ट, ईस्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग मशरूम का नहीं। 33 का आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर पाया जाता है, 33 का आंसर हो जाएगा बी पत्तियों पर देखने को मिलता है हमको। 34 के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरणीय आवर्तन। दाब के बढ़ने पर किसी वस्तु के पदार्थ का उबाल बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये घट जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा बी। 100 बढ़ता है ये, घटेगा नहीं बढ़ेगा, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, घटेगा नहीं ये बढ़ जाएगा दाब के बढ़ने पर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35 का ए। 36 का हो जाएगा बोलोमीटर का यूज करते हैं हम लोग ऊष्मा विकिरण के, ये ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए। 37 पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा, तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मा भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं प्लाज्मा भौतिकी। 38 को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र के विभिन्न सतहों में जो तापांतर होता है उसके कारण से। 40 का आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा हम लोग को, 40 का ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 11 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, अर्थ के लिए हो जाएगा √2gr। ठीक है, √2gr इसका फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर कहीं भी हमको एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, तो एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो अर्थ के लिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, यानी एंगल ऑफ ये प्रोजेक्शन से वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी एंगल पे फेंकने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इसके वेलोसिटी पे। नेक्स्ट है, एक सेकेंड लोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तब। एक फेमटोमीटर में पूछ रहा है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 की पावर -15। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। 40 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा दर्दनाशक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी नोवल जीन। पेंसिलिन तो हमको पता है, इसमें हम लोग बाइफरकेट भी कर सकते हैं, पेंसिलिन जो है वो हमारा एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा नहीं, क्लोरोमाइसिटिन और नोवल जीन, तो क्लोरोमाइसिटिन जो है आपका यूज किया जाता है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 44 का डी। 45 का, साबुन में आमतौर से बिथियोनॉल का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोगाणुरोधक के रूप में। कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम।
ऑप्शन सी, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रेनिल, एड्रेनल ग्लैंड से। नेक्स्ट है, रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रांग रोगाणुरोधक है, ये गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 49 का आंसर हो जाएगा, मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन का। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस, डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 51, कीमोथेरेपी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 बेसिकली यूज करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूमिनॉल। 53, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस का, वायरस से संबंध है इसका। 54, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा जीन। मादा चिड़ियों के सेक्स क्रोमोजोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ZW से। फिर है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51.91। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का सी, पैरा बैडमिंटन में, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। बिहार दिवस 2022 का थीम पूछ रहा है, 58 का आंसर हो जाएगा बी, जल जीवन हरियाली था इसका थीम। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था? 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएम गति शक्ति योजना पर, जल शक्ति योजना पर नहीं, जल शक्ति कोई योजना ही नहीं है। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। कला उत्सव में, राष्ट्रीय कला उत्सव में 5 पुरस्कार। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चंद्रा जी को दिया गया था। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धीरज को। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय है? तो पहला शिल्प कला संग्रहालय कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। नेक्स्ट है, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इनकी अभी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया किस लिए? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू स्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, बोरिस जॉनसन ने। तो ये इनको बताना है कि ये किस पार्टी के थे, लेबर की कंजर्वेटिव के। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंजर्वेटिव से थे ये। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था किस तिथि को? तो ये डेट्स वगैरह पूछ रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफाई करके, 5 नवंबर 6 नवंबर कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 2021 को किया गया था ये, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? भारत नॉर्डिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क के द्वारा। भारत UAE व्यापार आर्थिक भागीदार समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ किस तिथि को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 फरवरी 2022 को। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। नाटो का मुख्यालय, ये तो आसान है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 71 का बी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप
में किसको चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज को। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने। आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम को। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का सी, राजनाथ सिंह के द्वारा इनको कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया, कब जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का बी, 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है किस चीज से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? नए विदेश सचिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 78 का ए, विनय मोहन क्वात्रा। इसके बाद 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया कहाँ पे? तमिलनाडु। 79 का बी, सॉरी सी, तमिलनाडु में। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद मुंबई के बीच में। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे? तो कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो वात्सल्य है आपका किसके ये किसके अंतर्गत में? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड 19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है 18 वर्ष की आयु होने तक? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, 1500 रुपये का। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार मंडप को। नेक्स्ट है, कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बाद में आए थे, असहयोग आंदोलन से शुरू हुए थे ये, ठीक है। और नरहरि पारेख ये भी थे, महादेव देसाई और गौरी शंकर मिश्र, ये तीनों थे। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 87, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने सुसाइड किया था, ठीक है, और खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। तो चूंकि खुदीराम बोस इसमें है नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? आंसर हो जाएगा डी, उदयन ने। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का राजा धनानंद। 89 का बी। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरदौसी। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? आंसर हो जाएगा 92 का डी, मुंगेर को। बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये अंबारी सत्याग्रह, राहुल सांकृत्यायन वगैरह के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मेन लीडर स्वामी सहजानंद। इसके बाद किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाबरू बैरठ अभिलेख। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघभट्ट। अष्टांग हृदय बाघभट्ट। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो परम भागवत का उपाधि दिया गया था किसको? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। फिर है 97, तो किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व पर व्यापक वर्णन किया है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल मसूदी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सिफा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, दारुल सिफा फिरोज शाह तुगलक। फिर वह पूर्व का सिराज, तो पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। 100 का डी। इसके बाद है
जंजीरे अदली नामक न्याय व्यवस्था की घंटी, न्याय की जंजीर, तो न्याय की जंजीर हमको पता है कौन, 101 का जहांगीर। भारत भारतीयों के लिए है का नारा किसने दिया था, तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति, तो हेक्टर मुनरो। 103 का सी। 104 का कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ताफ हुसैन हाली। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी, तो 105 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अवतारवाद का। अवतारवाद का निंदा नहीं किया गया था, बाकी जाति विवाह, जातिवाद, बहुविवाह और पर्दा प्रथा, इन तीनों का निंदा किया गया था ब्रह्म समाज के द्वारा। सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी है, इसमें से कौन, तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनपुन। फिर है 107, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है, तो मखाना मिथिले वाला क्षेत्र, तो मिथिला यानी आपका हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 107 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान। फिर 108 का, पार्क अभ्यारण और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो भीमबंद मुंगेर सही है, नागीनट्टी जमुई सही है, कैमूर बक्सर ये गलत है, और राजगीर नालंदा ये भी सही है, तो 108 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 109 निम्नलिखित में तो कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है, तो वो 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिडनी, सबसे पूर्व में है ये। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रखता है, तो 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है, तो 111 का आंसर हो जाएगा डी, साइबेरिया टुंड्रा और टैगा क्षेत्र यहाँ पे मिलेगा आपको। निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, तो 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस में। फिर पूछ रहा है खैबर दर्रा, तो खैबर दर्रा बी, काबुल इस्लामाबाद को, पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है। क्षेत्र में कौन, क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंडकारण्य, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है। 115, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है किसको, तो 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह और मनाली को जोड़ता है ये। इस ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा है, 9.2 किलोमीटर वाला, CDPO में भी पूछा और इसमें भी पूछा है। 116, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है, तो 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहाद्री विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। 117 में हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताऊते किस समुद्री किनारे पर गिरा, तो इसका आंसर हो जाएगा 117 का ए, सौराष्ट्र गुजरात। रामसर स्थल और राज्य का जोड़ा बेमेल है, इसमें से कौन बताना है, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, थोल गुजरात, अष्टमुंडी केरल और लोनार राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र में। निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्र सबसे कम है, तो 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापी का। फिर है गंगा रिवर बेसिन में कितने जो राज्य हैं उनको बताना है, तो 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 राज्य हैं। 121, प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य, तो 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। 122 बोल रहा है, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है, तो 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, जो नेपाल के पास है वो एरिया पूरा नेपाल से लगा हुआ जो बेल्ट है, सबसे ज़्यादा भूकंप का खतरा वहीं पर है। फिर है क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है कौन सा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर। 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है, तो 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नकटी, नागी नकटी, ठीक है, जमुई वाला। 125 में है, बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है, तो 125 में नीचे वाला बेल्ट, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। इसके बाद है 126 में, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 126 का ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदन और चाहे निर्वाचित हो या फिर मनोनीत उनके द्वारा।
127 में है, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से लेकर 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र झा। नरेंद्र झा द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज। 128 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। हाँ, मनी बिल को वो वापस नहीं कर सकता है। 128 ठीक है, 128 हो गया। 129 में लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है। तो 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के। 130 है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। तो 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक प्रतिनिधित्व एक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था। तो 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में संभावित अधिनियम अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया। तो 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 133 है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 133 का ऑप्शन बी संविधान विधेयक 2019 126वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे शिक्षित जिला, आंसर हो जाएगा रोहतास। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग, तो 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एक से अधिक होगा इसमें। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व कर दे रहा है अभी। तो 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 139 निम्नलिखित में से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे। 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री वाई एच मालेगम। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है। तो 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न वितरण खरीद और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। 142 का आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। फिर है 143, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है। तो 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो 144 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेष किशोर जनसंख्या का आकार। 145 है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है 65th बीपीएससी में प्रीलिम्स में। तो 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन पीएफसी। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है। 147 का आंसर हो जाएगा डी प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहां पे, तो 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्याज दर में कमी होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीतामढ़ी। इन सब में और अंतिम है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। दोस्तों ये हो गया AAO का पेपर। पेपर जो है वो पहले की तरह ही है, बस डेट वगैरह जो है वो करंट अफेयर्स में स्पेसिफिक पूछ लिया गया है और ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। और इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस खूब सारे हैं, तो इकोनॉमिक्स पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बिहार वाला जो है क्वेश्चन वगैरह तो वो भी
कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इन डेप्थ है, बाकी पूरा का पूरा पेपर ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा डबल ए का पेपर। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।